नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हरियाणा के सभी एग्ज़ामों की परीक्षा तिथि आ चुकी है दोस्तों। इसमें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसमें है नवंबर 2019 से मार्च 2020 एग्जामिनेशन शेड्यूल। इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, पहला है एडवर्टाइजमेंट नंबर है 6/2019। इसमें है कांस्टेबल फीमेल जीडी, इसकी एग्ज़ाम डेट है 17/11/2019। फिर है एडवर्टाइजमेंट नंबर है 6/2019, यह है सब इंस्पेक्टर की मेल, इसकी एग्ज़ाम तिथि है 17/11/2019 और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 6/2019 कांस्टेबल मेल, इसका 24/11/2019 को एग्ज़ाम है। तीनों की एडवर्टाइजमेंट नंबर एक ही है, कांस्टेबल फीमेल और सब इंस्पेक्टर मेल के एक ही दिन एग्ज़ाम होने वाले हैं। आगे एडवर्टाइजमेंट नंबर है 12/2019, इसमें दे रखा है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, इसमें पोस्टें हैं उनका है 1/12/2019 से 22/12/2019 तक एग्ज़ाम होने वाले हैं। आगे दिया गया एडवर्टाइजमेंट नंबर है 14/2019, इसमें है कैटेगरी नंबर 29 ड्राफ्ट्समैन, कैटेगरी नंबर 30 जूनियर ड्राफ्ट्समैन और कैटेगरी नंबर है 32 असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन, इनकी एग्ज़ाम डेट है 23/12/2019 से 29/12/2019 और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 9/2019, इसमें ग्राम सचिव है, ग्राम सचिव की एग्ज़ाम डेट है 12/1/2020 यानी 12 जनवरी 2020 को अगले वर्ष होने वाला है एग्ज़ाम। आगे एडवर्टाइजमेंट नंबर है 7/2019, यह है पटवारी की और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 8/2019, यह है केनाल पटवारी की, तो दोनों का एक ही दिन एग्ज़ाम होने वाला है 19 जनवरी 2020 को। आगे कैटेगरी नंबर है एडवर्टाइजमेंट नंबर है 15/2019, कैटेगरी नंबर है 12, इसमें सुपरवाइज़र फीमेल 10वीं बेस पे था और कैटेगरी नंबर 13 सुपरवाइज़र फीमेल, ये था ग्रेजुएशन पे, तो इसकी एग्ज़ाम डेट एक ही दिन है दोनों की, 9/2020 है इसकी एग्ज़ाम डेट। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 15/2019, इसमें थी कैटेगरी नंबर 14 सब इंस्पेक्टर और ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी में सब इंस्पेक्टर, इनकी एग्ज़ाम डेट है 16/2020। सिलेक्शन अगला है एडवर्टाइजमेंट नंबर है 13/2019, यह है पीजीटी सेकेंडरी एजुकेशन, इनकी एग्ज़ाम डेट है 8/2020, 15/2020, 22/2020 और 29/2020। दोस्तों ये ऑफिशियली बताई जा रही है और ये एग्ज़ाम डेट थी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हुई थी इसे लाइक ज़रूर कर देना और भर्तियों से जुड़ी हुई संबंधित कोई भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।